भरी दोपहर में जब लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं, उस समय वार्ड नंबर 17 नथुखेड़ी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी के जद्दोजहद करने में लगे होते हैं। दरअसल वार्ड नंबर 17 नथुखेड़ी हेमराज किरार वाली गली में कई महीनों से पानी की समस्या चली आ रही है। इस गली में सुबह नल की सप्लाई नहीं आती, टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। भरी दोपहर में जब अन्य गली के रहवासी सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो नथुखेड़ी के रहवासी टैंकर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही टैंकर की आवाज कानों में सुनाई देती है, वैसे ही आवाज सुनते ही घरों से बर्तन लेकर टैंकर की ओर दौड़ लगाते हुए नजारे आम बात है। प्रातःकाल सप्लाई न आने से मोहल्लेवासी टैंकरों के भरोसे पर निर्भर है। अब टैंकर कब किस समय आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। शाम को जरूरी पानी की सप्लाई आ जाती है, वहाँ भी कुछ घरों तक ही सीमित होकर रह जाती है। पानी की समस्या को देखते हुए वर्धमान कॉलोनी से नथुखेड़ी तक 250 फीट के आसपास ओपन पाइपलाइन डलवाई गई थी, जिससे वर्धमान कॉलोनी सोनी कॉलोनी की पूर्ति होने के बाद शाम को नथुखेड़ी में सप्लाई की जाती है। उस ओपन पाइपलाइन में कुछ रकूकदारों ने रातों रात सीधे नल जोड़कर आने वाली सप्लाई को भी प्रभावित कर दिया है। प्रातःकाल कई दिनों से नल नहीं आने वाली सप्लाई में कल एक पार्टी के समर्थक द्वारा नथुखेड़ी में वोटों की अपील करने के दौरान सारे दिन नल सप्लाई आना भी नथुखेड़ी में चर्चा का विषय बनी रही। Yeah.